दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि पांचवा T20 भी भारत ही जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सीरीज हारने के बाद बुरी तरीके से भड़क चुके हैं पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, यहाँ तक कि डेविड वार्नर भी, और मैक्सवेल ने भी अब पांचवें T20 मैच में ना भारत को हराने पर कुछ ऐसा कह दिया भारत में आकर ही कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिरकार दोस्तों भारत की जीत से मिर्ची लगी वर्ल्ड कप विनर्स के बयान का एक एक वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पैट कमिंस, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में सबसे बेहतर खिलाड़ी और सबसे बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप का फाइनल जरूर हारे थे, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया को चंद दिनों के बाद ही आईना दिखा दिया गया है। आपको बता दें पांच मैचों की T20 सीरीज के खत्म होने से पहले ही उसे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जीत कर आज भारत ने अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि सीरीज का आगाज ही भारत की दो धमाकेदार जीत से हुआ था, पहले वाइजैक में जीते फिर त्रिवेंद्रम में। हाँ बीच में एक मैच जरूर हारे, लेकिन दोस्तों अब चौथे T20 मैच में हमारा प्रदर्शन फिर से काबिले तारीफ रहा। दोस्तों हमें पहले बल्लेबाजी की पेशकश मिली और बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल इस बार भी पीछे नहीं हटे। चौके व छक्कों की बारिश करते हुए इस खिलाड़ी ने कब में कब 35 से ज्यादा रन की पारी खेली किसी को पता नहीं चला। और दोस्तों इतना नहीं, गायकवाड़ी 32 रन बनाकर गए। असली मजा आया रिंकू की पारी को देखने में, जिन्होंने 29 गेंदों में 4 चौके 2 छक्के लगाकर 48 रन के आसपास बना दिए थे। 175 दोस्तों भारत ने फिर टारगेट सेट किया, और इतना बड़ा टारगेट चेस करने के लिए इतना बड़े मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत और बड़ी पारियां की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत तो दोस्तों बड़ी दमदार थी, 4 ओवर में टीम का स्कोर 40 के पार जा चुका था, और इस बार भी भारत के लिए विलन ट्रेविस हेड ही बन रहे थे, लेकिन तब तक जब तक दोस्तों अक्षर उनके सामने नहीं आए। कहने को तो इस खिलाड़ी ने 16 गेंद में लगभग 32 रन बना दिए थे, लेकिन अक्षर की गेंद पर जैसे ही ये दोस्तों मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट हुए ना, अक्षर ने तो आगे चलकर एरन और बेन नाम के खिलाड़ी को भी आउट कर दिया था। हाँ बीच में मैथ्यू वुड ने 36 रन जरूर बनाए, लेकिन वो टीम को जिता नहीं पाए, और अल्टीमेटली भारत ने इस मैच को 20 रन से जीत कर अपने नाम कर लिया है। दोस्तों ना सिर्फ हम मैच जीते बल्कि सीरीज को भी जीत चुके हैं, और अब काफी लंबे अरसे तक ऑस्ट्रेलिया से सामना नहीं होगा, इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप तक। तो T20 वर्ल्ड कप तक ऑस्ट्रेलिया की टीम हमसे हारी हुई ही रहेगी, इसीलिए पांचवा T20 मैच जीतने के लिए कहा जा रहा है कि अनुभवी से अनुभवी खिलाड़ी भारत लैंड करेंगे और टीम में शामिल होकर भारत को हराएंगे। और अब तो उन्होंने अपने बयान भी जारी कर दिए हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि पैट कमिंस ने भारत को हराने पर कहा, विश्व कप कौन जीता है ये सब जानते हैं, और भले ही भारत ने हमारे साथ चलकर इस T20 सीरीज को अपने नाम कर लिया, लेकिन इसका अभी एक मुकाबला बाकी है, और मैं सबको बताना चाहता हूं कि अब सारे मुख्य खिलाड़ी अपनी टीम से जुड़ने जा रहे हैं, जिसके बाद हम भारत को हराकर इसी सीरीज में इस हार का बदला पूरा कर लेंगे। तो वही दोस्तों स्टीव स्मिथ का भी कहना था, भारत का तो पुराना काम है कमजोर खिलाड़ियों के सामने जीतना और मुख्य खिलाड़ियों के आगे परफॉर्म ना कर पाना, इसमें कोई नई बात नहीं, वर्ल्ड कप तो जीत नहीं पाए, T20 सीरीज हमारी छोटी टीम के सामने जीत कर खुश हो रहे हैं, लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं चलेगी क्योंकि हम आ रहे हैं भारत को पांचवा T20 हराने के लिए, खबरदार हो जाइए। दोस्तों मिचेल स्टार्क ने भी लिख दिया, अभी तो असल गेंदबाजी देखनी बाकी है, बहुत हार गए हम T20 में, अब वक्त आ गया है वनडे के बाद T20 के इस पांचवें मुकाबले को जीतने का, बस भारत जाकर अब पांचवा मुकाबला जीतकर इस सीरीज का जवाब देना है हमें भारत को। तो वही दोस्तों मैक्सवेल ने तो कह दिया, अगले मुकाबले में देखते हैं कौन जीतेगा, हम अपनी पूरी टीम के साथ उतर रहे हैं भारत, अगर आप में दम है तो हमें रोक कर दिखाइए। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम भले ही सीरीज हार गई है, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने का घमंड उनके सर चढ़कर बोल रहा है और उनके शब्दों से पता चल रहा है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या सीरीज के पांचवें T20 मैच को भारत जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया? नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।